न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रक की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, खेत में युवक ने लगाई फांसी, बाघ दर्शन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगा दारोगा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। रामटेक शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मनसर तुमसर राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित वाहिटोला गांव में शुक्रवार की शाम करीब 5:45 पर तेज गति से जा रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृत मोटरसाइकिल चालक का नाम साजिद आबिद खान और घायल का नाम अशरद अब्बा अल्लाह खान बालाघाट निवासी बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोनों रामटेक की ओर से मनसर की ओर जा रहे थे। वाहिटोला गांव में जैसे ही पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ईंटों से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण वे साजिद नीचे गिरकर ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और पीछे बैठा अशरद घायल हो गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे जिला परिषद सदस्य सतीश डोंगरे और उनके मित्र धर्मेश शुक्ला ने अपनी कार में डालकर उपजिला अस्पताल रामटेक ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने साजिद को मृत घोषित कर दिया और अरशद को प्राथमिक उपचार करने के बाद हालात नाजुक होने से उसे इंदिरा गांधी शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया। अगली खबर, कोंडाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रिंगना बोड़ी में एक 22 वर्षीय युवक सारंग रमेश मेश्राम ने गुरुवार की रात को गांव के समीप खेत में बने मचान को रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला उजागर हुआ है। अगले दिन सुबह घटना की खबर स्थानीय ग्रामीण वासियों को मिलने से घटना की जानकारी कोंडाली के थानेदार चंद्रकांत काले को दी गई। सिपाही संतोष राठौर तथा अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु काटोल ग्रामीण अस्पताल भेजा गया। कोंडाली पुलिस एएसआई बाबूलाल राठौर तथा संतोष राठौर द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वन विभाग को बाघ देखने के लिए चंद्रपुर के ताड़ोबा टाइगर रिजर्व की विश्व स्तर पर एकात्मक पर्यटन प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आवश्यक निधि चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में पर्यटन बढ़ाने को लेकर बैठक हुई। इसमें प्रदेश के मदद व पुनर्वास मंत्री विजय वटेट्टीवार और प्रदेश वन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरने मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुभव उपक्रम शुरू करने पर विचार किया जाए। चंद्रपुर शहर के पास टाइगर सफारी और वन्य जीव बचाव केंद्र के निर्माण परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।